ओके सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें अपन को बोला गया है बैलून है स्फेरिकल बैलून विच इज इन्फ्लेटेड एट विद अ कॉन्स्टेंट रेट जिसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है विद अ कॉन्सटेंट रेट इनिशियली उसकी रेडियस दी हुई है थ्री यूनिट आफ्टर फाइव सेकेंड रेडियस दी हुई है सेवन यूनिट्स एंड आफ्टर नाइन सेकेंड वो रेडियस पूछ रहा है सो so, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे अपन को क्या समझ में आ रहा है कि वो सर्फेस एरिया जो है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेट ऑफ चेंज की बात करें uh, उससे पहले अगर सरफेस एरिया की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया के लिए फोर पाई आर स्क्वायर नाउ सिंस इट इज इंक्रीजिंग कांस्टेंट रेट दैट मींस डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट लेट्स से इट इज के सो डी ए बाई डी टी टू के और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वो अपन को मिल जाएगा वैसे फोर इंटू टू एट बाई आर इंटू डी आर बाई डी टी बट जो काम की चीज़ है कि कॉन्स्टेंट रेट ऑफ चेंज है तो अपन इस के को ले, ले लेते हैं अपन कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज सो अगर अपन यहाँ से ए लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है अगर डी ए बाई डी डी कॉन्सटेंट है के के बराबर तो ए मिले, कितना मिलेगा कितना मिलेगा यहाँ से अपन को के टाइम्स टी प्लस सम कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लाइक सो इसको अपन लेट कर सकते हैं कुछ ऐसे फोर पाई आर स्क्वायर इक्वस टू के टी प्लस सी समथिंग वेयर के इज द कांस्टेंट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द सरफ़ेस एरिया एंड सी इज द कांस्टेंट स्केलर सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके सो यहाँ से अपन को क्या करना है के और सी दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है उसके बाद हम टी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए रेडियस के डिफरेंट वैल्यूज बता सकते हैं तो so, उसके लिए हमारे पास दो रिलेशन होने चाहिए एंड वी हैव दीज टू रिलेशन इनिशियली देट मींस इनिशियली मीन्स एट टी इक्व टू जीरो वैल्यू ऑफ आर एस थ्री फ्रॉम हियर वील गेट फोर पाई थ्री स्कवास टू जीरो प्लस सी सो सी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है थर्टी सिक्स पाई ओके ना अब सी की वैल्यू मिल गई अब यहाँ पे वापस हम क्या करते हैं हमें आफ्टर थ्री सेफ्टर फाइव सेकेंड हमें रेडियस पता है दैट मीन्स पुट टी इक्वल टू फाइव आर की वैल्यू हमारे पास है थ्री यूनिट आफ्टर फाइव सेकेंड इज सेवन सो लेट्स जस्ट पुट दिस वैल्यू फोर पाई आर स्क्वायर सेवन स्क्वायर मीन्स फोर्टी नाइन इक्वल्स टू के इंटू टी मीन्स फाइव प्लस सी सी मीन्स थर्टी सिक्स पाई नाउ ओके सो नाउ यहाँ से अपन को के की वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ फोर्टी नाइन इंटू फोर माइनस थर्टी सिक्स सो इट इज फाइव के इक्वल्स टू लेट से हम पूरा कैलकुलेट नहीं करते हैं इसको फोर पाई कॉमन ये अपन को मिल जाएगा फोर्टी नाइन माइनस हमने फोर पाई कॉमन लिया है फोर्टी नाइन माइनस नाइन दैट मीन्स ये आ जाएगा फोर पाई मल्टीप्लाइड बाय फोर्टी सो दिस इज फाइव के एंड वी हैव के इक्वल्स टू डिवाइड बाय फाइव सो इट इज फोर पाई इंटू एट सो दिस इज दैल्यू ऑफ के थर्टी टू पाई ओके नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ के एंड सी इन दिस रिलेशन विल गेट फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के टी के मीन्स थर्टी टू पाई टी प्लस सी मीन्स थर्टी सिक्स पाई सो नाउ अब अपने पास आर और टी में एक रिलेशन है जिसमें अपन को फाइंड करना है द रेडियस आफ्टर नाइन सेकेंड वी जस्ट नीड टू पुट टी एज नाइन So we will get the value of r square from here 32 pi into 9 plus 36 pi. We will get r square equals to just pi is cancelled off. After dividing by 4, we will get uh, 8 into 9. This is 8 into 9 plus this is 9. फर्स्ट ऑप्शन सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें अपन को दो वैक्टर्स दिए हुए यूनिट वैक्टर्स ए एंड बी और वैक्टर ए का एक वैक्टर सी के साथ एंगल दिया हुआ है बिटवीन दैम बाई बाई ट्वेल्व और एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सी वैक्टर्स में और पूछ रहा है वैल्यू ऑफ सिक्स टाइम्स मॉडल सी स्क्वायर सो इसमें अगर इस इक्वेशन की बात करें इस रिलेशन की बात करें तो इसमें अपन बी के बारे में और कुछ नहीं जानते अदर देन इट्स मैग्नीट्यूड सो हम उसी फैक्ट को यूज करेंगे जो गिवन है क्वेश्चन में दी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी इसका मैग्नीट्यूड है वन सो so, हम बोथ साइड्स मॉडल्स लेते हैं इसमें

मॉड बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मीन्स फोर टाइम्स सी क्रॉस ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डॉट ऑफ दीज टू डॉट ऑफ दीज टू मीन्स सी डॉट सी क्रॉस ए इंटू टू ओके सो सिंस वी नो दैट स्केलेलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर तीन में से दो वैक्टर्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो स्केलेटल प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है जीरो सो so, यहाँ पे अपन को मिलेगा वन इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स यूजिंग द फॉर्मूला फॉर सी क्रॉस दैट इज मॉट सी मॉड ए साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम सो सिंस स्क्वायर भी है तो ये बन जाएगा मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम का स्क्वायर दैट मीन साइन स्क्वायर पावे ट्वेल्व एंड इट बिकम्स जीरो राइट

इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ बन जाएगा वन इक्वल्स टू मोट सी स्क्वायर और सिंप्लीफाई करने के बाद अपन को मिलेगा वन प्लस टू रूट टू स्क्वायर मीन्स एट ऊपर फोर है तो नीचे टू बचेगा और इसका स्क्वायर करें तो बनेगा रूट थ्री स्क्वायर मीन्स थ्री प्लस वन फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू दैट मीन्स मॉट सी स्क्वायर इट इज आफ्टर टेकिंग टू कॉमन टू माइनस रूट थ्री प्लस वन दैट मीन्स थ्री माइनस रूट थ्री सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ सिक्स टाइम्स मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर दैट मीन्स लेट्स जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय थ्री प्लस रूट थ्री ताकि ये पूरा स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन यहाँ से क्या हो जाता है और देखते हैं फिर क्या बसता है सो इट बिकम्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वॉट इज दिस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस रूट थ्री स्क्वायर दैट इज थ्री दिस इज सिक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर टू थ्री प्लस डायरेक्टली हमें उस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई है जो पूछा गया था क्वेश्चन में सिक्स सी स्क्वायर विच इज इक्वस टू थ्री प्लस रूट थ्री एंड थ्री प्लस रूट थ्री इज फर्स्ट ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एट इसमें अपन को एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स मॉडल फंक्शन मॉडल प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स का इंटरवल दिया हुआ है जीरो टू वन देन द सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इज सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेयर इज मिनिमम एंड मैक्सिमम देन वी विल फाइंड द सम ऑफ दूस टू वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज सो फॉर दैट अब यहाँ पे क्योंकि ये मॉडलेस के अंदर है जिसके लिए अपन देखें अगर सही से इसको लिखा जाए ये पता लगाने के लिए कि मॉडल फंक्शन का नेचर कैसा होगा तो अपन इसको फैक्टराइज करें यहाँ पे तो इसके दो फैक्टर्स अपन को इजीली मिल जाएंगे फोर वन तो ये मिलेगा एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस वन दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ओके सो so नाउ क्योंकि यहाँ पे इसके दो पॉइंट्स जो अपन को मिल रहे हैं जहाँ पे इसकी डेफिनेशन चेंज होगी वो है माइनस टू एंड वन बाय टू और माइनस टू तो नहीं है बट वन बाय टू इस इंटरवल में आ रहा है तो हमें वन बाय टू पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा फॉर दैट हम यहाँ पे दो केसेस कंसिडर करते हैं केस वन पहले अपन देख लेते हैं एक्स अगर हम ले रहे हैं जीरो टू वन बाय टू में जीरो से वन बाय टू में अगर अपन बात करें तो वन बाय टू और जीरो के बीच में ये जो एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू कैसी होगी Uh, क्योंकि वन बाई टू और माइनस टू पर चेंज हो रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी आप इजीली चेक भी कर सकते हैं है ना तो यहाँ पे जब एफ एक्स लिखा जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ दिस तो मॉड हटाने के बाद फिर एक नेगेटिव साइन अपन को लगाना पड़ेगा सो माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर सिंस हमें मैक्सिमम और मिनिमम देखना है इसका उसके लिए अपन डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं तो इसको हम हाफ फॉर्मूले यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री में साइन टू एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ताकि डिफ्रेंशिएशन इसका आसानी से हो जाएगा डैश एक्स अगर अपन फाइंड करें तो ये मिलेगा अपन को माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री प्लस दिस इज वॉट साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस्ट टू एक्स और टू से टू कैंसिल हो जाएगा चेन रूल से नाव अब क्योंकि यहाँ पे अपन को मिल रहा है एवरेज एक्स इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी है कॉस टू एक्स और साथ में माइनस फोर एक्स प्लस थ्री सो so, अब अपन देखते हैं कि इसमें कैसे पता लग रहा है इसका नेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ताकि अपन मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट कर सके तो क्योंकि अपन को एक्स का इंटरवल यहाँ पे पता है जो अपन ने केस कंसिडर किया है जीरो से वन बाय टू में तो so, हम देख लेते हैं जीरो से वन बाई टू में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाइड बाई फोर तो फोर एक्स की जो रेंज आएगी वो आएगी ज़ीरो से टू एक्स की रेंज आएगी जीरो से टू जीरो से टू में आप थ्री ऐड करोगे तो वो आ जाएगा थ्री टू फाइव थ्री टू फाइव में आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा माइनस फाइव से माइनस थ्री सो रेंज ऑफ दिस दिसवीन माइनस फाइव एंड माइनस थ्री सो अगर ये माइनस फाइव और माइनस थ्री के बीच में लाइ कर रहा है और ये साथ में कॉस टू एक्स एड किया हुआ है जिसकी वैल्यू बाउंडेड होती है बिटवीन माइनस वन एंड वन So, हम क्लियरली बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो एवडेज एक्स होगा बिकॉज ऑफ दिस रेंज ऑफ़ प्लस थ्री ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा नेगेटिव फॉर ऑल लाइंग इन दिस इंटरवल जीरो टू वन बाय टू ओके सो अगर एवडेज एक्स ऑलवेज नेगेटिव है तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एफ एक्स कैसा होगा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा डिक्रीजिंग इन दिस गिवन इंटरवल जीरो टू वन बाई टू और डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर अपन को क्योंकि वैसे भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात करनी है सो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आपको इस इंटरवल में मिलेगी वो मिलेगी एक्स इक्वल टू जीरो पर क्योंकि डिक्रीजिंग नेचर है तो so जीरो पे अगर अपन इसकी वैल्यू देखें कितनी मिल रही है पुट एक्स इक्ल टू जीरो सो एक्स इक्वल टू जीरो रखने में मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस टू साइंस जीरो इज ज़ीरो सो दिस इज टू सो अभी अपन ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है क्योंकि अपन को सेकंड केस भी कंसीडर करना पड़ेगा और इसी में अगर अपन मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो ये आपको मिलेगा एफ ऑफ वन बाय टू पे और वन बाय टू आप यहाँ पे पुट कर दो तो कितना मिलेगा वन बाय टू पर यह एक्सप्रेशन तो जीरो हो जा रहा है राइट right? सो so, ये एक्सप्रेशन अगर जीरो है सो so बचेगा क्या अपने पास साइन वन साइन वन अपॉन टू तो ये तो मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू अपन को एक्स की वैल्यू पर फोकस करना है क्योंकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा बताना है वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है ये फर्स्ट केस कंप्लीट किए सेकंड केस पे अपन मूव करते हैं सेकंड केस ले रहे हैं अपन वन बाय टू टू वन तो अगर वन बाई टू वन के बीच में बात करें तो फिर ये मॉडलस के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो मॉडलस डायरेक्ट हट जाएगा तो ये आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स विल गेट एवरेज एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री माइनस टू का गया जीरो साइन टू एक्स का अगेन कॉस टू एक्स टू से टू कैंसिल प्लस ये बच गया है ये बच गया है फोर एक्स प्लस थ्री प्लस कॉस टू एक्स नाउ अब इसमें अगर देखा जाए अगेन फोर एक्स प्लस थ्री की रेंज हमने यहाँ पे देखा था थ्री टू फाइव आ रही थी तो अगर ये इस एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज की बात करें इस इंटरवल में देखना पड़ेगा अब की बार वन बाई टू से वन में तो एक्स अगर वन बाय टू से वन में जा रहा है तो फोर से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा टू टू फोर और टू टू फोर में अगर आप थ्री ऐड करोगे तो इसकी रेंज आ जाएगी टू प्लस थ्री यानी फाइव टू टू फोर फोर प्लस थ्री सेवन तो इस लीनियर एक्सप्रेशन की रेंज आ रही है फाइव टू सेवन नाउ अब ये फाइव टू सेवन कंपेयर टू कॉस्ट टू एक्स एक बहुत बड़ी वैल्यू है तो कॉस्ट टू एक्स की बाउंडेड वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में होगी तो इससे इस एवडस इस एक्स के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो एवडस एक्स की जो बारे में अपन बोल सकते हैं कि ये इसकी वजह से हमेशा ही कैसा होगा पॉजिटिव सो एवडस एक्स इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स लाइंग इन दिस इंटरवल वन बाई टू टू वन तो अगर ये पूरे इंटरवल में एवडेस एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल में और एफ एक्स अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो अपन उसकी डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हैं एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो तो वापस वन बाई टू पर मिलेगी क्योंकि इंक्रीजिंग नेचर है बट मैक्सिमम जो यहाँ से मिलेगा वो आपको मिलेगा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लेने पर दैट इज वन सो एफ ओ वन वट विल बी एफ ओ वन दैट केस एफ ओ वन विल बी इक्वल्स टू टू प्लस थ्री फाइव माइनस टू थ्री प्लस साइन एक्स इक्वल टू वन पे साइन टू अपॉन टू तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है मिनिमम इज सेम एट एक्स इक्व टू वन बाय टू नाउ सिंस वी आर टू फाइंड दाम ऑफ एप्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एप्सोल्यूट मिनिमा सो वट इज एप्सोल्यूट मैक्सिमा जहाँ पे एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है तो या तो वो एक्स इक्व टू जीरो पे है वेच इज टू या फिर एक्स इक्व टू वन पे है विच इज थ्री प्लस साइन टू बाई टू अब हमें ये पता है कि ये साइन टू टू रेडियन सेकेंड क्वार्टर में होगा तो ये वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी और थ्री में अपन कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो टू से तो बड़ा होगा, जो होगा वो होगा एक्स मैक्सिमा इज मिनिमम वैल्यू टू वन बाई टू सो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इज वन एब्सोल्यूट मिनिमा इज वन बाय टू फाइनल आंसर वुड बी वन प्लस फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट वन ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें दिया हुआ है अपन को टेन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस कॉड इन एक्स क्यूब इक्वल टू के टाइम्स पाई क्यूब एंड पूछा जा रहा है रेंज ऑफ के तो के की रेंज निकालने से पहले लेट्स हम इसको कुछ लेट uh, कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को टेन इनवर्स एक्स का क्यूब प्लस ट इनवर्स एक्स क्यूब सो कॉट इनवर्स एक्स को अपन इजिली कन्वर्ट कर पाएंगे टेन वर्स एक्स में यूजिंग दिस प्रॉपर्टी फाइव बाई टू माइनस टेन एक्स एंड इसका भी क्यूब नाउस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वे आर अगेन लेटिंग टेन वर्स एक्स एज टी सो इट विल बिकम टी क्यूब प्लस फाइव बाय टू माइनस टी क्यूब और जब हमने टेन वर्स एक्स को टी लेट किया है तो साथ में हम टी का इंटरवेल भी लिख देते हैं जो टेन वर्स एक्स की रेंज है दैट इज माइनस 2 टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल तो अब हमें इस टी के फंक्शन की बात करनी है तो टी के इस इंटरवल में बात करेंगे इसकी रेंज बतानी है अपन को वाई की वाई की रेंज आ जाएगी तो के की रेंज आ जाएगी वहाँ से ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ये अपन को मिलेगा टी क्यूब प्लस इसमें फॉर्मूला यूज़ करें ए माइनस बी होल क्यूब दैट इज ए क्यूब ए क्यूब इज पाई क्यूब बाई एट माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल क्यूब इससे हमें मिल रहा है टी क्यूब तो कैंसिल हो जा रहा है और क्वालिटिक एक्सप्रेशन मिल रहा है टी में और वो यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू टी स्क्वायर टी वाली टर्म मिलेगी यहां से माइनस में अगेन थ्री स्क्वायर थ्री पार्ट इज प्लस पाई क्यूब बाय सो दिस इज वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी विच इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अब यहां पे अपन को वाई की रेंज निकालनी है तो क्वाड्रेटिक है और वो भी अपन इस इंटरवल में बात करेंगे तो इजीली अपन इसकी रेंज निकाल सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट भी जानते हैं वैसे क्वालिटी की रेंज कैसे निकालना है तो डी वाई बाई डी टी जो हमें मिलेगा यहाँ से वो आ जाएगा थ्री पाई टी टू कैंसिल माइनस अच्छा यहाँ पर टी लिखना रह गया था तो ये आएगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर इक्व टू जीरो करके टी देखें क्या आ रहा है तो यहाँ से जो तो टी की वैल्यू आएगी थ्री पाई कैंसिल करने के बाद वो आएगा पाई बाय फोर ना सिंस टी की जो वैल्यू आ रही है पाए बाय फोर वो इस इंटरवल में है तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया सो पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब है वाई की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी या अपन वाई की डायरेक्ट रेंज लिख सकते हैं यहाँ पे वाई की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अपन को पाए बाय फोर पर तो पाई बाय फोर हम यहाँ पुट कर देते हैं टी की जगह इस एक्सप्रेशन में तो ये मिलेगा थ्री पाए बाय टू इंटू टी स्क्वायर टी स्क्वायर मीन्स पाई बाय फोर का स्क्वायर माइनस थ्री पाई स्क्वायर बाय फोर इंटू टी दैट इज पाई बाय फोर और प्लस पाई क्यूब बाय एट तो यहाँ पे अपन इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं पाई क्यूब सब में से कॉमन आ जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटीन टू थर्टी टू थ्री बाय थर्टी टू माइनस थ्री बाय सिक्सटीन प्लस वन बाय एट इंटू पाई क्यूब और सिंप्लीफाई करने पे यह बचेगा थ्री uh, प्लस की वैल्यू मिल रही है एट टीवल टू फाइव बाई फोर ना अब क्योंकि अपन को मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए क्योंकि रेंज चाहिए अब क्योंकि अपन को पता है ये क्वाड्रेटिक है अपवर्ड पैराबोला बनेगा अगर अपन इसका ग्राफिकली ऑब्जर्व करें तो तो उसमें वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट आता है x coordinate वो यही आता है वर्टेक्सिटी इक्व टू पाई बाई फोर तो बाउंड्री पॉइंट अब जो है वो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू में जो वर्टेक्स से ज़्यादा दूर होगा वहाँ पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी सो क्लियरली इट इज़ माइनस पाई बाई टू सो वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो है एट टी इक्व टू माइनस पाई बाई दैट ऑल्सो इन ओपन इंटरवल सो विल बी जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एज माइनस पाई बट इन ओपन इंटरवल राइट सो दिस इज थ्री पाई बाई That means minus pi by 2 by square minus 3 pi square by 4 into minus pi by 2 plus pi cube by 8. Now, again pi cube common it is 4 to the 8, 3 by 8 minus minus plus <coughs> it is 3 by 8 again and plus 1 by 8. So, this is 7 by 8 pi cube so this is the maximum value of y so we have to find the range of k for that we have found the range of k so range of k range of y is what first of all minimum is pi cube by 32 right and maximum is 7 by 8 pi cube 7 by 8 pi cube but in open interval right okay so this is the range of y that means this is the range of k pi cube So, this is the range of k pi cube, pi cube by 32 to 7 by 8 pi cube. And from here, we get the range of k as after dividing by pi cube, 1 by 32 to 7 by 8 open interval. So, this is the final answer 1 by 32 to 7 by 8. This is the second option. Okay. Okay. So, next question number 10. इसमें अपन को फाइंड क्या करना है थ्री पावर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को अगर फाइव से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा गया सवाल इस तो इसमें सिंपली ऐसे सवाल में अपन क्या करते हैं क्योंकि अपन फाइव से डिवाइड करना है तो हम कोशिश करेंगे थ्री को थ्री की जो भी पावर्स हैं उसमें फ़ाइव के आसपास उसको कन्वर्ट करने की तो हम इजीली समझ सकते हैं थ्री पावर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू को लिख पाएंगे थ्री स्क्वायर की पावर वन थाउजेंड एलेवन और थ्री स्क्वायर बन जाता है टेन माइनस वन वन थाउजेंड इलेवन और विनो फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन कि अगर अपन इसको एक्सपेंड करते हैं पूरे एक्सपेंशन में अपने केवल एक टर्म होगी जो लास्ट वाली टर्म होगी जो इसकी वैल्यू जो होगी माइनस वन की पावर वन थाउजेंड इलेवन दैट मीन्स माइनस वन बाकी जितने भी टर्म्स होंगी वो सब टेन और उसकी हायर पावर्स के साथ आएंगी तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो टेन के मल्टीपल में आ रही है और टेन का मल्टीपल है तो मल्टीपल तो तो होगी, होगी, में है, तो उसको हमने लिख दिया फाइव लेमडा सो वी कैन इजीली फाइंड द रिमाइंडर यहाँ पे अगर अपन देखें बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखने के बाद जो फाइव का मल्टीपल है बाकी सारी टर्म्स मिलकर फाइव का मल्टीपल दे रही है जो बचा वो रिमाइंडर रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस वन राइट बट सिंस यू नो दैट रिमाइंडर इज अ पॉजिटिव वैल्यू सो जस्ट एड एंड्रैक्ट फोर हेयर सो दैट इट बिकम्स माइनस फाइव विच इज अगेन डिविजिबल बाय फाइव सो द फाइनल आंसर इज प्लस फोर दैट इज ऑप्शन नंबर वन ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन इज एक सेट है एस इसका एलिमेंट है रूट एन एन इज गिवन टू बी एन ऑड इंटीजर एंड वेरिंग फ्रॉम वन टू फिफ्टी ए इज एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू दिस सेम सेट एस एंड ए इज़ मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स और उसके बाद इसमें दिया हुआ है एक समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजट ऑफ ए विच इज गिवन टू बी हंड्रेड टाइम्स लेमडा देन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा तो इसमें हम देखो क्या करते हैं सिंपली एक तो अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए के बारे में बात करनी है तो वी नो द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज वॉट यूजिंग द प्रॉपर्टी वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन वेयर एन इज वॉट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इन दिस केस इट इज थ्री सो इट इज थ्री माइनस वन दैट मीन्स इट इज डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर सो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एडजट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर नाउ जस्ट लेट जस्ट फाइंड द Determinant A. Now, what is determinant A? Expanding this, determinant A will get 1 multiplied by 1 minus 0. This is 0 plus A multiplied by minus 1 into 0, 0 minus A. That means we are getting the determinant A as 1 minus A square. <coughs> this is the determinant A. So, determinant of adjoint A is determinant of ए स्क्वायर दैट मीन्स वन माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर सो वी कैन राइट दिस डिटर्मिनेंट ऑफ एड ए इक्वल्स टू इट्स होल स्क्वायर दैट मीन्स वन माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिखें एक ही बात है तो so, ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर अब अपन को इसका समीशन फाइंड करना है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए नाउ ए इज वॉट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एस एंड एलिमेंट ऑफ सेट एस इज रूट ऑफ एन सो if uh, we are to find this summation of adjoint a that means we are to find this summation of a square minus 1 whole square for all possible values of a and a is the element of set s which is root n so we'll just put a equals to root n here we'll get summation of root n square that means n minus 1 whole square so this is the summation of n minus 1 whole square for all possible values of n. Now, what are the possible values of n varying from 1 to 50 or integers? So, we will, be, we will just put n equals to 1, 3, 5, 7, and so on up to 49. So, if we put n equals to 1, we will get 0 if we put n equals to 3 we'll get 3 minus 1 2 square if we put n equals to 5 5 minus 1 4 whole square and so on up to if we put n equals to 49 we'll get 48 square we just need to find the sum of this series we can easily find this by taking 2 square common that means 4 it becomes 1 square plus 2 square plus 3 square up to Taking 2 square common, it is 24 square, and we have the formula for this series which is n, that means it is 24 n n plus 1 into 2 n plus 1 upon 6, right. So, since we have to find this summation and we are given it to be 100 lambda, so we just need to find the value of lambda, uh, 24 into uh, 25 into 4 becomes. Uh, 100. So, this is 100 and 6 times 4 into 24, 4 into 49. So, this is the value of uh, lambda here, which is 196. This is the final answer 196. Okay. Okay. Next question number 12. इसमें इस क्वेश्चन में अपन को एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है विद कॉमन डिफरेंस वन एन के बारे में बताया गया कि एक ईवन इंटीजर है और अपन को कुछ समेशन दिए हुए हैं समेशन ऑफ ए आई आई फ्रॉम वन टू एन एंड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उस सीक्वेंस की इस सीक्वेंस ए पी की एंड टर्म्स का सम दिया हुआ है फर्स्ट एंड टर्म्स का इसको अपन एक बार यहाँ से वैल्यू पुट करते हुए लिखें आई फ्रॉम वन टू एन सो वी आर गेटिंग ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर अप टू जहाँ तक भी जाना है ए अन तक जाना है सो इसका सम अपन को दिया हुआ है वन नाइन टू सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं उसके बाद अपन को एक और समेशन दिया हुआ है इस समेशन को भी अगर अपन लिखें ए टू आई का समेशन है आई फ्रॉम वन टू एन बाई टू सिंस एन इज एन इवन इंटीजर सो एन बाई टू एक इंटीजर मिलेगा और देखते हैं फिर आई की वैल्यू पुट करो तो ये क्या बनेगा आई इक्व टू वन के लिए ए टू प्लस आई इक्वस टू टू के लिए ए फोर एंड सोन ही चलता रहेगा है ना ए सिक्स एंड सीवन जहाँ तक भी ये जाना है अगर आप आई की जगह एन बाई टू रखोगे तो ये वापस कहाँ तक चलता रहेगा जहाँ तक भी जाना है आई की जगह एन बाई टू रख दो तो एन आ जाएगा इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है वन ट्वेंटी तो यहाँ पे तो अपन इसको बोल सकते हैं ये उस ए पी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम है यहाँ पे अल्टरनेट uh, टर्म्स का सम गिवन है अपन को सेकेंड फोर्थ सिक्स एंड सो सोवन जहाँ तक भी दिया हुआ है तो इसको बोलते हैं अपन नंबर वन नंबर टू तो हम क्या करते हैं वन में से आप अगर सपराइड करते हो सेकंड को सो ए टू ए फोर ए सिक्स से लेके एन ये सब कैंसिल आउट होगा और जो बचेगा वो बची भी और पोजिशन वाली टर्म्स हैं लाइक ए वन ए थ्री ए फाइव इस तरह से लास्ट तक जाएगा जो भी अवेलेबल है इससे जस्ट पहले वाली टर्म एन माइनस वन अच्छा और यहाँ पे अगर सपराइट कर रहे हैं तो ये अपन को कितना मिल रहा है सेवनटी टू सेपरेट करने पर मिला ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और इस तरह से जितने भी टर्म्स आ रही है उनका सम है लेट्स से दिस इज नंबर थ्री नाउ व्हाट ये सारे इवन नंबर टर्म्स का सम है ये और नंबर टर्म्स का सम है नाउ जस्ट सेपरेक्ट थर्ड इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड दैट मीन्स टू माइनस थ्री टू माइनस थ्री करने पर हमें क्या मिलेगा लेट देखो इसको ध्यान से लिखते हैं ए टू माइनस ए वन प्लस ए फोर माइनस ए थ्री प्लस ए सिक्स माइनस ए फाइव ओके एंड इसी तरह से चलता रहेगा कितने टर्म्स हैं? देखो हमने यहाँ पे कितनी वैल्यूज करी थी आई की वैल्यूज करी थी अपन ने यहाँ पे वन uh, से लेके एन बाई टू सो नंबर ऑफ टर्म्स एन बाई टू इसमें भी जब इसमें एन में से अपन ने एन बाय टर्म्स को सप्रैक्ट किया तो वापस एन बाई टू टर्म्स बच गई सो एन बाय टू टर्म्स यहाँ पे बच रही है तो नंबर ऑफ पेयर्स जो यहाँ पे बन के आ रहे हैं सप्रैक्ट करने पर ये कितने हो एन टू वन ट्वेंटी माइनस सेवेंटी टू इज फोर्टी एट now <coughs> a2 minus a1 is what since we know that this is an ap a1 a2 a3 a4 ye sab arithmetic progression mein hai with common difference 1 so ye do consecutive terms ka difference hai a2 minus a1 is what 1 plus a4 minus a3 is again common difference 1 plus 1 and so on ye kitni bar aayega जितनी terms यहाँ पे लिखी हुई थी जिसमें अपन ने सेपरेट करने के बाद लिखी है वो है n बाई टू एन बाई टू टाइम्स वन को ऐड कर रहे हैं तो ये अपन को मिलेगा एन बाय टू इक्वल्स टू फोर्टी एट दैट मीन्स एन इक्वल टू नाइंटी सिक्स सो नाइन्टी सिक्स इज द फाइनल आंसर क्योंकि अपन को पूछा था वैल्यू ऑफ एन सो नाइन्टी सिक्स इज द फाइनल आंसर ओके